अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे YouTube चैनल प्रिपेयर लो कास्ट बेबी गारमेंट्स में आपको खुशामदीद। आज कपड़े के इस बचे हुए पीस से मैं कुर्ता बनाने वाली हूँ। यह हम पंजाबी कुर्ता बनाएंगे। तो ये पीस बहुत छोटा सा ही है और ये कुर्ता जो है ये तकरीबन 6 मंथ के बेबी के लिए, 6 से 1 ईयर के बच्चे के लिए बन जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। ये मेन पीस है, इसी को शर्ट उस कुर्ते का फ्रंट और बैक, और फिर ये जो बाकी का पीस है कलियों के लिए इसको यूज़ करेंगे। पहले मैं इस साइड वाले ये छोटे पीस को कट कर लेती हूँ। इसको हम अलग-अलग कर लेंगे। बाकी इस पीस को 3 फोल्ड करेंगे हम, कुर्ते का फ्रंट बैक और तीसरा पीस जो है वो कलियों के लिए। कपड़े को मैंने 3 तह लगाई हैं। ये कुर्ते की लेंथ होगी और ये फ्रंट और बैक, और कलियाँ चूँकि इधर बाजू के बाद यहाँ ऐसे शुरू होंगी, तो हम ये इतनी फोल्ड इसकी रख रहे हैं, ये काफ़ी है। तीनों पीसेस को सेपरेट कर लेती हूँ। कलियों के लिए जो कपड़ा है इसको कट कर लेती हूँ। इधर थोड़ा सा ये डिफेक्ट है तो इसको मैं उतार रही हूँ साइड से। 4 कलियाँ लगेंगी, 2 फ्रंट पे 2 बैक पे। थोड़ा सा ही है ये कपड़ा लेकिन काम आ जाएगा। इसको भी अलग कर लेती हूँ। कुर्ते के जो ये प्रिंट आ रहा है बॉर्डर का, इसको मैं नीचे नहीं लाना चाह रही क्योंकि ये कलियाँ जो हैं इसके ऊपर बॉर्डर का प्रिंट नहीं है। इसको जब हम अटैच करेंगे तो ये सही नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको यहाँ गले की साइड पे कर लूँगी मैं। ये इस साइड पे हम गले की साइड पे करेंगे और बाकी कलियाँ जो हैं ये दोनों साइड पे ये आ जाएंगी। अब ये जो बाकी का कपड़ा है इससे बाजू जितने बन सकते हैं वो बनाएंगे। उससे पहले ये मैं गले की कटिंग थोड़ी सी कर लूँ। एक साल के बेबी के लिए ये 2 इंच इस साइड पे और 2 इंच डीप जो है, 2.5 इंच डीप ये गला सही रहता है। तो ये मैंने फिंगर से एक दफ़ा मैयर किया हुआ है, उसके बाद मैं फिंगर से ही काट लेती हूँ। तो चलें बाजू काट लेते हैं। बाजू के लिए ये कपड़ा जो है मैं इससे नाप के यहाँ रख रही हूँ, जितनी हमारी यहाँ कलियाँ डलेंगी। बाकी ये बाजू सिलाई का मार्जिन रखा है ज़रा सा। बाजू कट कर लिया मैंने। बगली के लिए ये कपड़ा जो है ये मैंने इसको यूँ फोल्ड कर लिया है, और दोनों आर्म के साथ ये जो बगली में लगाऊंगी उसको मैं इकट्ठा ही कट कर लेती हूँ। ये यूँ लगेगा बाजुओं के ऊपर। ये जो कपड़ा बगैर प्रिंट के है इसका किनारा है ये मैं कट कर देती हूँ, और दोनों बाजुओं को भी सेपरेट कर लेते हैं।
अब हम इसकी सिलाई किस तरह करेंगे। सबसे पहले गले को तैयार करेंगे। तीरे की सिलाई लगाने के बाद ये मैं गला जो है और साथ ही इसके स्लिट जो है वो तैयार करूँगी। और मेरे पास चूंकि कपड़े का कोई पीस नहीं बचा इसके लगाने के लिए, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये रेप इस गले पे और स्लिट में ये यूज़ कर लूँगी। ये एक छोटा सा पीस मैंने कट किया है, इसको गले पे यहाँ जो है वो सिलाई लगा के, तो पहले स्लिट तैयार कर लेती हूँ इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके, उसके बाद फिर गले पर इसकी पाइपिंग करूँगी। सारे पार्ट्स जो हैं वो कट करके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। गला मैंने स्लिट लगा के और ये जो है डोरी ये लगाई है, ये इसके साथ ही यूँ कंटिन्यू रखी है, ये देखें दोनों साइड पे। और इसके गले से जो कटिंग थी उससे मैंने ये इसकी थोड़ी सी लटकन भी लगा दी है। अब हम इनको कैसे जोड़ेंगे, इसका तरीका ये है कि पहले हम इन कलियों को इस बगली के साथ सिलाई करेंगे, फ्रंट वाली और बैक वाली दोनों को यहाँ स्टिच करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को यहाँ बाजू के साथ स्टिच करेंगे, फ्रंट और बैक। तो चलिए ये सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये कली को मैंने इस बगली के लंबाई वाले हिस्से के साथ एक के साथ सिलाई कर दिया है। दूसरी कली जो है इसको हम यहाँ से दूसरी साइड पे, जो इसकी यूँ बैक साइड है, एक्चुअली ये यूँ है, यहाँ सिलाई करेंगे। ये सिलाई जो है हम यहाँ इसके साथ ये कंटिन्यू रखेंगे और ये पूरी दोनों कलियों को आपस में यहाँ तक जोड़ देंगे। तो ये सिलाई दूसरी सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। बैक वाली सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर दिया और इस दोनों कलियों को यहाँ आपस में ये जोड़ दिया है। अब हम इसको बाजू के साथ सिलाई करेंगे। तो बाजू के साथ सिलाई करने के लिए बाजू के एक हिस्से को इसके साथ जोड़ेंगे और ये दूसरा पार्ट जो है इसको इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये सिलाई भी लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको बाजू के एक साइड पर जोड़ दिया है और बाजू की दूसरी साइड को अब यहाँ जोड़ेंगे। ये यहाँ तक सिलाई जो है ना वो नहीं रखेंगे बल्कि इसको कंटिन्यू रखेंगे और पूरे बाजू की ये सिलाई जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरतीब जिस तरतीब से ये पार्ट हमने सिया है ये कंप्लीट कर लिया है, इसी तरह हम ये दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को इस सेंटर वाला जो कपड़ा है इसके साथ बआसानी स्टिच कर देंगे। यहाँ से ये सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ ये कंटिन्यू करते हुए फ्रंट पे ये सिलाई यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो चलें मैं ये सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसको आपस में जोड़ देती हूँ। जी व्यूवर्स, ये मैंने इसी तरतीब से ये सारे पार्ट्स जो हैं वो भी अटैच कर दिए हैं। अगर आप इसी तरतीब को फॉलो करेंगे तो ये बड़ी आसानी के साथ सिल जाएगा। ये कितना खूबसूरत सा कुर्ता बग़ैर किसी खर्च के बड़ी आसानी से घर में ही तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।